ठीक है, देखिए आज कुछ नया चलाते हैं। इसमें देखेंगे आप केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। क्या देखेंगे? केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। आपको पता है जब से बीजेपी सरकार गवर्नमेंट बनी 2014 में, और यहाँ से नई नई योजनाएं आई, नागरिकों के लिए आई, देश के लिए आई, और देश हित में इन्होंने कार्य भी किया। कुछ योजनाएं सफल भी रहीं, कुछ योजनाएं असफल भी रहीं, लेकिन हम सभी योजनाओं को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी पेपर से, किसी भी पेपर की दृष्टि से, चाहे वो आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, जीडी का एग्ज़ाम हो, या पीसीएस पीएससी का एग्ज़ाम हो। तो आज हम प्रारंभ जो करेंगे वो 2015 से 16 तक की योजनाएँ करेंगे। इससे अगले पार्ट में जो होंगी वो 2016 से 17, और इससे अगले पार्ट में होंगी 2017 से 18। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है ना। तो पहली योजना लिखेंगे आप 9 मई 2015, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इसे बहुत अच्छा प्लान था ये गवर्नमेंट का, और जो भारत में आज भी लागू है, और ये सफल भी रहा कहीं तक। 9 मई 2015 जिसे बोला जाता है जन सुरक्षा योजना, जन सुरक्षा योजना। आप इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा हेडिंग डाल लें। 9 मई 2015 को योजना लागू हुई जिसका नाम था जन सुरक्षा योजना। इसमें तीन प्रकार की योजना इसी दिन लागू हुई। पहली जो थी, तीन पार्ट थे इसी के, जन सुरक्षा योजना में ही तीन भाग लगाए गए। पहला जो था लिखेंगे आप प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, जीवन ज्योति योजना। इसी दिन प्रारंभ हुई तीनों योजनाएं, जीवन ज्योति योजना, ठीक है। पहली कौन सी थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति। दूसरी जो हुई वो हुई आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। और तीसरी इसी दिन प्रारंभ हुई जिसे कहा जाता है अटल पेंशन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों, और तीनों को आप समझेंगे, एक बार कवर करेंगे, आपका रिवाइज भी होगा। एक दो बार लगातार इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये योजना क्यों चलाई गई, कैसे चलाई गई, और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। 9 मई 2015 को भारत में लोगों की सुरक्षा को देखने हेतु, लोगों की सुरक्षा हेतु तीन योजनाएं चली, और जिन तीनों योजनाएं जो थी वो प्रारंभ में एक ही नाम थे थी, जिसका नाम था जन सुरक्षा योजना। जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत तीन योजना आई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी थी अटल पेंशन योजना। इन्हें लागू करने का क्या मकसद था, क्यों लागू की गई, आप यहाँ समझें। भारत में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, दो एरिया पाए जाते हैं, एक बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड और एक कहा जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड होता है संगठित क्षेत्र, और अनरिकॉग्नाइज्ड होता है असंगठित क्षेत्र। समझना, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, अर्थात समझ रहे हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, अर्थात वह सरकार का कोई ना कोई क्या लेता है, लाभ लेता है, उसे कहते हैं संगठित क्षेत्र। जैसे हम बोल दें कोई अध्यापक है जो गवर्नमेंट टीचर है, वो क्या हो गया, संगठित क्षेत्र में। एक अध्यापक है जो कहाँ पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, वो कौन सा क्षेत्र हुआ, असंगठित। समझना, एक इंजीनियर है जो सरकारी इंजीनियर है, वो होता है संगठित क्षेत्र, और एक इंजीनियर है जो प्राइवेट है, वो कैसा है, असंगठित क्षेत्र। तो व्यक्ति दो ही प्रकार के काम करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब होती है या प्राइवेट सेक्टर में होती है। समझ में आया? तो यह योजनाएं उसके लिए बनाई गई जो किसके लिए था, प्राइवेट सेक्टर के लिए, अर्थात असंगठित क्षेत्र के लिए। क्योंकि आपको पता है संगठित क्षेत्र वाला जो व्यक्ति होता है, संगठित क्षेत्र वाला अर्थात जो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ होता है, उसकी इकोनॉमी में खुद ही खुद क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। उसके आज पेंशन बेशक न मिलती हो, लेकिन पहले पेंशन मिलती थी, और उससे फंड से लेकर इतना पैसा हो जाता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में वह कितना भी अपनी ज़िंदगी को आनंदमयी रूप से काट सकता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति है संगठित क्षेत्र का, मानो एक मजदूर भी हो सकता है, संगठित क्षेत्र का होता है, एक
प्राइवेट नौकरी इंजीनियर हो, अच्छा पैसा कमाने वाला हो, वह भी असंगठित क्षेत्र का हो सकता है। जैसे गांव में मजदूर लोग होते हैं, तो यहाँ सरकार ने देखा एक छोटे रूप से, जो छोटे रूप में मजदूर होता है उससे लेकर असंगठित क्षेत्र का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वह इन तीनों योजनाओं का लाभ ले सकता है, क्योंकि आने वाले समय में उसे कभी भी कोई क्या न हो, परेशानी न हो। जैसे आप बात कहें 9 मई 2015 को ही जो पहली योजना लागू हुई उसका नाम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। यह योजना क्यों नरेंद्र मोदी जी ने लागू की? असंगठित क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके माँ बाप रहते हैं और वह अकेला पुत्र है, दो हैं या कितने भी, इससे कोई मतलब नहीं, या उसकी फैमिली रहती है, पत्नी रहती है, पुत्र लोग रहते हैं। अब क्या हुआ, अकेला करने वाला है, बस इतना ही उसके पास साधन है, कितना, इतना ही कैलोरी ऊर्जा मात्रा में कमा पाता है कि जितना आज कमाने के बाद कल खा सकता है, या फिर उसके पास इतना पैसा है कि एक दो दिन का काम चल सकता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई हादसा हो जाए तो वह कुछ कर सके। और 1% ऐसा हो जाता है कि मानो कोई गरीब घर का करने वाला व्यक्ति है, गरीब घर से है, और यहाँ प्रधानमंत्री ने यही कहा कि कोई व्यक्ति अगर असंगठित क्षेत्र से है, मानो कोई क्या है, उसके माँ बाप बुजुर्ग हैं और काम करता है, और काम करते करते एक समय आ गया, अचानक उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो उसके माँ बाप क्या हो गए, असहाय हो गए, कौन उनकी सेवा करेगा? इसीलिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, एक योजना चलाई उस असंगठित क्षेत्र के लिए, उन गरीबों के लिए, कि आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो आपके परिवार के जो सदस्य हैं वह आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक योजना चलाई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। और इस योजना में काम था कि जो व्यक्ति इस योजना को लाभ प्राप्त करना चाहता है वह 330 रुपये पर ईयर क्या देगा, प्रीमियम देगा, किस्त देगा। मतलब जो व्यक्ति इस योजना का क्या करेगा, लाभ लेना चाहेगा, वह 330 रुपये प्रति वर्ष इस योजना में क्या करेगा, जमा करेगा। समझना बात, जमा करेगा। तो इसका मतलब यही है, इस योजना का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, इसने क्या कर लिया, अपना जीवन बीमा करा लिया, और जीवन बीमा उसका है कि जो व्यक्ति ने इसे कराया और कराने के बाद क्या हो गया, मर गया, और मरने के बाद जो उसका नॉमिनी होगा, नॉमिनी होता है ना, जो उसका नॉमिनी होगा उसे क्या मिलेंगे, इसके पैसे मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से है वह 330 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम भरेगा, और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके घर वालों को कितने रुपये मिलेंगे, 2 लाख रुपये मिलेंगे। समझ लेंगे, तो ये 2 लाख रुपये किसके लिए होंगे, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके घर वाले जो होंगे उन्हें कितने लाख रुपये मिलेंगे, 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री की बड़ी अच्छी योजना थी और यह बड़ी सफल योजना रही है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब असंगठित क्षेत्र से होते हैं, वो अपना प्रीमियम कराते हैं। देखो 330 रुपये पर ईयर ही तो है, मानो कोई घटना घटित हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो कम से कम 2 लाख रुपए उनके घर वालों को क्या मिलेंगे, आराम से मिल जाएंगे मुफ्त में, और वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अगर बुजुर्ग लोग हैं या कोई भी लोग हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं कौन, अगर आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो मरना ही पड़ेगा, आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो मरना ही पड़ेगा। इसमें मतलब ये हुआ कि ये 2 लाख रुपए तुम्हारे नहीं है, आपके घर वालों के, आप 330 रुपए का क्या भरो, प्रीमियम भरो, 2 लाख रुपए चाहिए तो मर जाओ, आराम से योजना का क्या ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना भी किससे संबंधित है, असंगठित क्षेत्र से, क्योंकि आप जानते हो जो संगठित क्षेत्र से होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, LIC कराई, कुछ भी कराई, बहुत पैसा से बीमा करा लिया हर क्षेत्र का, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र से लोग होते हैं उन पर बीमा नहीं किया जा सकता, कराया ही नहीं जाता उन पर, इतना पैसा नहीं होता। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने यही कहा कि कोई भी व्यक्ति मजदूर है, कार्य कर रहा है, किसी भी खान में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, अचानक वह खान गिर जाए, गिरने से उसका क्या हो जाए, मृत्यु तो हो गई ना पहले, सुरक्षा बीमा है। अरे जब मर जाएगा तो सुरक्षा कहाँ रहेगी, मर जाएगा, सुरक्षा मतलब एक्सीडेंट, दुर्घटना, ऐसा फ्रैक्चर हो जाए। और दुर्घटना भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है परमानेंट,
परमानेंट हो गई मतलब अब सही नहीं होने वाली, और एक होती थोड़ी बहुत हो गई बस, ठीक है। तो इस योजना में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर सुरक्षा बीमा योजना में कोई भी व्यक्ति यहाँ क्या करता है, योजना में भाग लेता है, बीमा कराता है, तो उसे प्रीमियम देना होगा 12 रुपये पर ईयर, बस, मतलब 1 रुपये पर मंथ। बहुत अच्छी चीज है, आप समझने की कोशिश करो, आप योजनाओं को जानते ही नहीं है, आप योजनाओं को समझेंगे, इसमें भाग लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, समझना, देखो कितना फायदा देगी ये तुम्हें। मरने वाले छोड़ो, यहाँ देखो सुरक्षा वाली, ये तो आपके साथ है ना, ये तो आपको ही मिलनी है, आप जा रहे हो पढ़ने के लिए। हाँ बताते हैं, रुको सभी लिखाते हैं, यहाँ 50 वर्ष है ना, ये 70। अब क्या होता है, आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, बाइक से बहुत तेज जा रहे हो, न जाने क्यों कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो दो प्रकार के, एक टेम्परली होता है एक परमानेंट। टेम्परली आप गिरे, गिरने के बाद पैर टूट गया, पैर टूटने के बाद बस उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगना है। अगर आपने ये बीमा करा रखा है तो आपको थोड़ा लगे या ज़्यादा लगे 1 लाख रुपए ही मिलेंगे इस योजना में। थोड़ा लगे मतलब कैसी है, टेम्परली मतलब हो जाएगी ठीक, ठीक हो जाएगी, आपको कितने रुपए मिले, ऐसे नहीं बस घिस लिया, बोले 1 लाख रुपए ले आओ जाके, मतलब टूट गया, जुड़ जाएगा ना, तो आपको इलाज के लिए, खाने के लिए, पोषण के लिए, विटामिन के लिए, सबके लिए कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए। और कितने रुपए पर मंथ जा रहे हैं, 1 रुपए पर मंथ, और आप क्या हो गए, परमानेंट हो गए, डिसेबल मतलब गई रीढ़ की हड्डी, अब नहीं जुड़ने वाली, तो आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए। अब आप देख लो, आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, समझ में आया। अगर आप इसमें भागीदार बनेंगे, आपको 12 रुपये प्रतिवर्ष क्या देना होगा, प्रीमियम देना होगा, किस्त देनी होगी, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का क्या मिलेगा, बीमा मिलेगा। यहाँ भी आपको 2 लाख मिलेंगे लेकिन मरने के बाद, यहाँ जिंदा रहने पर जी, मरते हैं कुछ नहीं है, मरने के लिए नहीं है, एक्सीडेंट दुर्घटना के लिए है, आप ये भी कराओगे तब मिलेगा मरने के बाद, यहाँ तो सिर्फ दुर्घटना दोनों कराओ, दोनों ज्यादा नहीं, 330 और बार है बस जोड़ लो, आप होशियार हो, 342। हाँ अब देखिए, हाँ ये और बड़ी अच्छी बात है, समझना, आपने आज कराई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आज कराई और पहली किस्त भर दी, और किस्त भरने के लौट कर आ रहे हो, तभी मर गए, तभी 2 लाख पक्के तुम्हारे, तभी पक्के, आज पहली किस्त भरी, आज क्या 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, 3 अक्टूबर को भर दी, और भर के लौट ही रहे थे कि आप मर गए, तो आपके 2 लाख रुपए पक्के, आप देख लेना करके, आपके 2 लाख रुपए पक्के ही, निश्चित बात है। देखिए आगे, तीसरा है अटल पेंशन योजना, तीसरी कौन सी है, अटल पेंशन योजना है, तो आप यहां पर इसमें लिख लेंगे कि इसकी जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष है, कितनी है, 18 से 40। इसमें अब यह भी किसके लिए, यह भी किसके लिए, यह भी असंगठित क्षेत्र के लिए है, कि व्यक्ति को लगता है देखो काम कर रहा है, पूरी जिंदगी काम किया, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो स्टॉक भी होगा या पेंशन भी मिलती होगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र वाला पूरे क्या करता है, वर्ष भर काम करता है, लाइफ निकल गई, अंत में क्या आया, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा आने के बाद क्या हुआ, उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे आगे क्या कर सके, प्रयोग कर सके, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अटल पेंशन योजना लागू की। और यह अटल पेंशन योजना जब लागू की तो इसमें एक क्या दिया, शर्त दी, क्या शर्त दी, कि आप जितने भी पैसे जमा करोगे, आप जितने भी पैसे जमा करोगे पेंशन में, ऐसा नहीं है डायरेक्टली पेंशन मिल जाएगी तुम्हें, ऐसा नहीं है, आप वहां पैसे जमा करोगे, मानो आपने कितने जमा किए, 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ किए, तो इसका 50% सरकार आपको देगी, मतलब 500, आपने एक महीने में 1000 जमा किए और इसका 50% कितना हुआ, 500, तो 500 रुपये देगी गवर्नमेंट,
500 रुपये कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। तो आपके खाते में एक महीने में कितने हो गए? 1500 रुपये। और जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक इन पर क्या चलेगी? ब्याज और चलेगी। यह पेंशन की आप जितनी भी कमाई करते हैं पूरे महीने में, मानो 10,000 कमाते, अगर उसमें से आप 1,000 रुपये किस में जमा करेंगे? अटल पेंशन योजना में। तो 1,000 आपके हुए, उसका 50% सरकार अपनी तरफ से देगी आपको। तो आपके कितने हुए? आपने जमा 1,000 किए, लेकिन आपके हुए कितने वहाँ? 1500 हुए। और उन 1500 पर भी तब तक क्या चलेगी? ब्याज चलेगी। यह थी अटल पेंशन योजना। यह तुम्हें कब तक मिलेगी? 40 वर्ष के बाद आप इससे क्या करेंगे? आपको धीरे धीरे जैसा आपका अमाउंट होगा उसी प्रकार से आपकी क्या बांध दी जाएंगी? किस्त बांध दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 40 वर्ष के हुए और होने के बाद 41 के हुए आप पेंशन लेने लग गए, अच्छी बात है, लेकिन आप 42 वर्ष में मर गए तो आपकी पेंशन भी, अब इस पेंशन को कोई नहीं लेगा। हाँ, वो किस में कहाँ होती है? हाँ 55, हाँ सॉरी, ये 40 तक तो इसका क्या है, लिमिट है कराने की। इतने समय का क्या कर सकता है? व्यक्ति करा सकता है। कितने का? 18 से 40 के बीच का करा सकता है, लेकिन मिलती कब है? 55 के बाद। और तुम 55 की बजाय 56 में मर गए तो फिर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पापा टीचर थे, उन्हें क्या मिल रही थी? पेंशन मिल रही थी। पापा मरे, अब किसे मिलेगी? मम्मी को। यहाँ नहीं होता ऐसा। हाँ, अब यहाँ इतना भी ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है कि आप 10,000 जमा कर दो तो 5,000 सरकार जमा कर देगी। ऐसे तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, कितना करेंगे? 2,00,000 जमा करेंगे। ये कितना करेगी? 1,00,000 जमा करेगी। पैसे वाला तो 50 करोड़ करेगा, सरकार कहाँ से लाएगी 25 करोड़? ये सिर्फ कितने हजार तक है? 2,000 तक। कितने हजार तक? कि 2,000 तक आप जितना भी जमा करेंगे उसका 50% जमा करेगी गवर्नमेंट। किसका? हाँ वो एक अलग बात है, आप मत करो ना, आप मत करो। चलो अगली डालो, आगे लिखो 24 जून 2015। बात कम करो भाई ने। 24 जून 2015। अमृत योजना। अमृत योजना, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, लिख लेना। अटल मिशन रेजुवनेशन, रेजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मर, लिख लो इसकी फुल फॉर्म। योजना लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। अर्बन, समझ लो इससे थोड़ा पहले, इसे समझ लो योजना को, बड़ी अच्छी योजना है ये भी। यहां योजना हुई 24 जून 2015 ना, 24 जून 2015 को जो योजना लागू हुई उसका नाम था अमृत योजना। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता, अटल मिशन रेजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्म योजना। इसका मतलब क्या था समझना। अटल बिहारी जी के नाम पर थी, मिशन है अपना, रेजुवनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्म, इसको ध्यान दो। अर्बन का मतलब हुआ क्या? शहर। अर्बन का मतलब क्या होता है? सिटी। उसका ट्रांसफॉर्म करना है, और वो ऐसा करना है कैसा? उसमें वृद्धि हो, मतलब समझो हमारे यहाँ पर जो शहर कहलाते हैं वह वास्तव में शहर है ही नहीं। अगर हम विदेशों के शहरों से तुलना करें तो वो शहर थोड़ी है, नहीं है शहर। जैसे अगर हम बात करें, सिंगापुर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूएसए जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर वहाँ के शहरों को देखें तो हमारे जाकर जो टॉप मोस्ट शहर है वो वहाँ का सबसे गंदा शहर होता है। इस सब को देखते हुए
यहाँ केंद्र सरकार ने योजना लगाई कि अब हमारे जो शहर हैं, नए शहर नहीं बनाने, जो शहर पुराने हैं उन्हें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उन्हें बदलना है। और उन्हें बदलने के लिए यह अमृत योजना चलाई। और इस योजना में जैसे देखो आपने नाम दे दिया क्या है, शहर अलीगढ़ क्या है, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है। लेकिन आप अंदर गए, शहर का मतलब क्या होता है, शहर का वास्तविक मतलब होता है कि अच्छी साफ सफाई, देखभाल, हॉस्पिटल की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, सड़क सुरक्षा, सब सुरक्षा होनी चाहिए, वह कहलाता है शहर। ऐसे तो गांव ही है, फिर शहर का क्या मतलब हुआ, जहां समुचित व्यवस्था पाई जाती हो, जल पेय से लेकर सब कुछ, वह कहलाता है शहर। लेकिन आप अपने अलीगढ़ भी जाएंगे तो ये शहर सा नहीं लगता, जहां देखो वहां गंदगी, जहां देखो वहां ट्रैफिक, जहां किसी अस्पताल हॉस्पिटल में जाते हो गवर्नमेंट में, वहां देखो गंदगी, ना ढंग से इलाज होता ना कुछ होता। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो तो उनकी दशा सबसे खराब, तो ये शहर कहाँ हुआ। तो अब इसका मतलब था इस योजना का, हमारे जितने भी शहर कहे जाते हैं उन्हें वास्तव में शहर कहा जाएगा, किस योजना के तहत, अमृत योजना के तहत, उनका क्या कहा जाए, किया जाएगा, मॉडल बनाया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी योजना नहीं है, वो योजना बाद में आई, ये योजना थी पुराने शहरों का क्या करना, कायाकल्प करना। आ जाता है अमृत योजना किससे संबंधित है, तो पुराने शहरों के कायाकल्प से संबंधित है। समझ में आया, इस योजना में पहले 100 शहरों को गिना गया और अब वर्तमान में कर दिए गए हैं 161 शहर। लिख लो जल्दी अपने आप, लिख लो अमृत योजना। अरे लिखिए गया पहले अमृत योजना पुराने शहरों की कायाकल्प के लिए थी। इसमें प्रारंभ में 100 शहर और बाद में 161 शहर। अगली लिखें 25 जून 2015 25 जून 2015 प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। थोड़ा समझना इसके बारे में, कई क्वेश्चन पीछे पूछ लेता है, बाद के आगे के सबके पूछ लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना में क्या था, यह कोई नई योजना नहीं है, यह एक पुरानी योजना थी जिसे इंदिरा गांधी आवास योजना कहा जाता था। इस योजना का पहले क्या नाम था, इंदिरा गांधी आवास योजना। अब ये योजना किसने प्रारंभ की थी, शुरू में आप समझेंगे थोड़ा। जब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, और राजीव गांधी एक बार मुंबई के दौरे पर गए हुए थे, और उन्होंने देखा कि वहाँ झुग्गियों वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, झुग्गी बना के सड़कों के सहारे जो लोग रहते, उन्हें देखकर उनका क्या हो गया, दिमाग ख़राब हुआ। और उन्होंने कहा ऐसे भी लोग भारत में रहते हैं, और उस दिन इन्होंने प्लान बना लिया कि मैं जितने भी गरीब लोग होते हैं, बीपीएल धारी लोग होते हैं, इन्हें क्या दिलाऊंगा, आवास दिलाऊंगा। और तब ये योजना प्रारंभ हुई, उसका नाम था प्रधानमंत्री, नहीं उसका क्या नाम था, इंदिरा गांधी आवास योजना। क्या नाम था, इंदिरा गांधी आवास योजना। और उस योजना में जो पहले घर बनाए गए वह कच्चे घर बनाए गए, उस समय कच्चे ही घर बनते थे, कच्चे घर बनाए गए। लेकिन यह योजना जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो आप यहां लिखेंगे यह योजना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यह योजना बीपीएल धारकों के लिए है। जिसके अंतर्गत लाभार्थी को 1,20,000 रुपये मिलेंगे, 1,20,000 रुपये मिलेंगे। देख लेना अगर इसमें कोई वृद्धि हो गई हो, तो शुरू में यही था, हाँ तो 3,00,000 हो गया तो देख लेना, लेकिन प्रारंभ में यही था इसका, बदलाव आ गया हो तो देख लेना, है ना। प्रारंभ में कितना था, 1,20,000 था, अगर इसमें चेंजअप हो गया तो आप देख लेना। लिखो इस योजना के अंतर्गत
इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है, 2 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। अगली हेडिंग डालें, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया मिशन, इनकी डेट याद रहे ना रहे लेकिन इनके काम याद रहने चाहिए, है ना। हाँ, 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया मिशन, ये किस लिए? इसने भारत, समझ लो पहले इसने भारत में बहुत बड़ा काम किया। इसने भारत में से लाल फीता शाही को खत्म कर दिया। और आप जानते हो लाल फीता शाही क्या होती है? कि जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, चाहे वो बिजली की ऑफिस हो, विद्युत की, या पोस्ट ऑफिस जाते हो, या कहीं भी जाते हो, और वहां जाके बोलोगे भैया हमारी वो फाइल निकाल दो 2001 की, 2 की, 1980 की, तो अब देखो उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है, लोगों को भी, कि एक पूरा केबिन बना होता है और इसमें क्या होती है, फाइलें लगी होती हैं, और जब फाइलें लगी होती हैं तो वो एक लाल धागे से क्या होती हैं, बंधी हुई होती हैं। अब मानो अब चल रहा है 2018 और वो निकालेगा 1990 की, तो 1990 से 18 28 वर्ष तक की सभी फाइलों को हटाएगा, तब क्या निकालेगा, उस फाइल को निकालेगा। और फिर अगर आज अपना काम आप कराना चाहते हो 2018 में, और यहाँ डिजिटल इंडिया नहीं है, वही है जो पहले से फाइल चली आ रही थी, अगर आपको कनेक्शन कराना है और कनेक्शन कराने गए तो फाइल में ही आपका नाम एडिट हुआ करता था, होता था, तो बस पेंडिंग में फाइल पड़ गई, उस पर फीता बांधा लाल और पेंडिंग में चली गई। अब कोई मतलब नहीं है, साल, 2 साल, 4 साल किस में लग जाएंगे, कनेक्शन होने में लग जाएंगे। इस सब को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन चलाया, अर्थात जितनी भी ग्राम पंचायत से लेकर और भारत की ऊंची से ऊंची ऑफिस कार्यालय होंगे, उन सब में कोई भी फाइल नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा, अर्थात डिजिटल इंडिया मिशन होगा। समझ में आया? जिससे आप तुरंत अपना नोट जारी करें, तुरंत अपना नोट लिखाएं और वो सेलेक्ट हो गया, आप उसे कभी भी कहीं भी कैसे भी देख सकते हो। समझ में आया? तो ग्राम पंचायत से लेकर कहाँ तक, सबसे ऊंचे कार्यालय तक, सब में क्या होगा, आप तो देख रहे हैं, आप FIR भी क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये सब काम क्या है, इन सबको लाल फीताशाही को ख़त्म करने के लिए क्या किया, डिजिटल इंडिया मिशन लागू किया। तो आप लिखें, इसमें लिखो, पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने तथा लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए यह योजना लागू की गई। और इनकी ब्रांड एम्बेसडर लिख लेना, पूछ लेता है, इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेगा, बहुत ऊंचे लेवल पर काम हुआ है इसका, बहुत ऊंचे लेवल पर। पहला लिखिए अंकित फारिया, बात नहीं, अंकित फारिया भारत का सबसे बड़ा हैकर है। ये हैकर 2 प्रकार के होते हैं, एक लीगल होता है, इनलीगल होता है ना, मतलब ये आप गलत काम करते हो तो ये सरकार के लिए गलत काम करता है, मतलब जो भी करना है, हैक करना है, कुछ भी करना है, वो किसके लिए करता है, गवर्नमेंट के लिए करता है। और जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ, वो काम सरकार के लिए नहीं, मतलब अपने फायदा के लिए करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा हैकर है अंकित फारिया। नंबर 2 लिखिए, इसके 4 ब्रांड एम्बेसडर बने। नंबर 2 लिखो प्रतीक मिस्त्री, भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सतवत जगवानी, आईआईटी टॉपर सतवत जगवानी 2015 में आईआईटी टॉपर थी ये। और 4th लिखेंगे, पूरा भारत किया था टॉप, कृति तिवारी
कृति तिवारी है ना, ये भी आईआईटी लड़कियों में टॉपर थी 2015 में, लड़कियों में है ना, और मध्य प्रदेश की ये सभी लड़का लड़कियों में टॉपर थी और भारत की लड़कियों में टॉपर थी कृति तिवारी। ये चारों क्या बनाए, ब्रांड एम्बेसडर इसके, ध्यान रखना पूछ लेता है कभी कभी इनके ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम, तो आप यहाँ ध्यान रखो। सरकार कैसा काम कर रही है, किस वे में, कि एक सरकार यह भी हुआ करती थी कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उससे क्या कर दिया, अरेस्ट डाल दिया, जेल में डाल दिया, और दूसरा देश क्या कर रहा है, उसका उसका प्रयोग कर रहा है। भारत में एक बार ऐसा हुआ था कि पहली बार एटीएम से पैसे निकाले गए हैक के द्वारा, तो भारत सरकार ने क्या किया, उससे पकड़ा और कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। तब का अमेरिका गवर्नमेंट यह कहती है कि आपने जिसे जेल में डाला है हम उसे पैसे देंगे, जॉब देंगे, आप इसे कहाँ भेज दो, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं कि इसने जो किया है वह किसके लिए करे, देश के लिए करे, कम से कम आने वाले समय में यह उसे रोक तो सकता है कोई काम करेगा तो। अगर तो यही काम सरकार ने किया है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग तो कर सकते हैं ये सब, तो उन्हें क्या बना दिया, अपना ब्रांड एम्बेसडर और अपने देश के लिए काम करवाने की बात कह दी, ठीक है ना। आगे लिखो 25 जुलाई स्किल इंडिया था, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, लिखो 25 जुलाई 2015 पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत ग्रामीण ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत ग्रामीण ज्योति योजना, ठीक है, देखो इसे समझ लेना, यह भारत सरकार की, केंद्र सरकार की सबसे असफल योजना रही, सबसे असफल रही, क्यों रही, वैसे अब इस पर काम किया जा रहा है, ये सफल होने के लगभग में एक सफल हो सकती है, लेकिन प्रारंभ में क्यों सफल रही, देखो 15 से 18 आ गया असफल हो गई, क्यों, कि यह योजना थी ग्रामीण क्षेत्र हो, या नाम इसमें ग्रामीण जरूर दिया है लेकिन शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सबके लिए योजना लागू हुई, और इसमें सबको क्या देना था, बिजली देना था, विद्युत देना था, लेकिन विद्युत इस प्रकार नहीं देना था, किस प्रकार, कि जैसे किसके द्वारा, यूरेनियम के द्वारा, कोयला के द्वारा विद्युत बनाई जा रही है, इस द्वारा नहीं, इन्हें देना था सौर ऊर्जा द्वारा, किसके द्वारा, सोलर सेल, सौर ऊर्जा के द्वारा देना था। अब हुआ क्या, देखिए अब होता क्या है, यहां पर कहा गया किससे, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों से कहा कि आप ऐसा करिए, पूरे भारत में सौर ऊर्जा बनाइए और उसे आप सौर ऊर्जा दीजिए, और सौर ऊर्जा आप कम से कम लेंगे तो 1,00,000 रुपए से कम नहीं आएगा, पूरा सेटअप सौर ऊर्जा का 1,00,000 से कम नहीं आएगा। तो अब जो था, हर व्यक्ति से खरीद नहीं सकता था, और जब हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता तो गवर्नमेंट ने यहाँ एक नियम निकाला, कंपनियों से कहा आप ऐसा कीजिए, इनका क्या कराइए, लोन कराइए, क्या कराना है, लोन कराना है, और जो भी व्यक्ति है उसे मात्र 10,000 रुपये जमा करने, कितने जमा करने, 10,000, और उसके बाद जितनी भी धनराशि बचे उसका क्या कर दीजिए, आप लोन कर दीजिए, और किस्त बना दिए कि एक महीने आप पर ईयर आपको इतना जमा करना है। तो यहाँ पर कंपनियाँ प्रारंभ हो गई काम करना, करने लगी, शहरों में करने लगी, लेकिन शहरों में क्या हुआ कि सभी लोग अपना मकान बनाकर नहीं रहते, कुछ लोग कैसे रहते हैं, जो किराए पर भी रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, और जो लोग रेंट पर रहते थे तो अब उन्हें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन उस घर में पहले से क्या लगा हुआ है, सोलर सेल लगा हुआ है, सोलर सेल लगाए तो अब इनके लिए लाइट कहाँ से आएगी। तो इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये जमा कर दिए, उन किसने, किराएदार ने, रेंट पर रहने वाले ने, और 10,000 जमा कर दिए, 10,000 करने के बाद किस्त बना दी, कितने पर ईयर की, समझना, पर ईयर में हम आपको क्या देंगे, बाकी पैसों का किस्त देंगे। अब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति वहाँ बाजार में रह रहा था, जब तक 10,000 रुपये की लाइट प्रयोग की, विद्युत प्रयोग किया, तब तक रहा, किस्त तो 1 साल बाद भरनी है ना, 1 साल बाद ही तो भरनी है ना, तो क्या हुआ, जैसे ही लगा किस्त भरने का समय आया, बस वहाँ से चल दिया। अब आप देखेंगे वही प्रॉब्लम क्या हुई, कि आप गए तो कहाँ, केरला में जाके रहने लगे, समझना, केरला में, एर्नाकुलम में, सिटी में रहने लगे, लेकिन आप रहने वाले कहाँ के हो, यूपी के, बस आपका काम हुआ, यही करते हैं हम लोग, आपका काम हुआ और आपका काम होने के तुरंत बाद आप केरला छोड़कर कहाँ गए, यूपी। तो उन कंपनियों को क्या हुआ, घाटा हो जाता था, जब घाटा हुआ तो घाटा होने के बाद इन कंपनियों ने क्या कहा, कि हम इस योजना को लागू
नहीं कर सकते, इसीलिए आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आता है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन हुआ जिसका नाम था नेट मीटिंग। पूछ लेता है नेट मीटिंग का संबंध किससे है, तो आप करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना से। इस नेट मीटिंग में सभी कंपनियों को बुलाया गया और इसमें क्या कर दिया गया, इन पर कार्य किया गया, इन पर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है इस योजना पर। यह मीटिंग हर वर्ष होती है, हर महीने लगभग वर्ष में 2-3 बार होती है, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच ये मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया है। तो यह योजना क्या रही, असफल रही, तो आप यहाँ लिख लो इसके बारे में। समझ लिया ना, ये किससे थी, सौर ऊर्जा लगाने से, बाकी कुछ मत लिखो, बस इतना लिख लो इसमें नेट मीटिंग का संबंध इसी योजना से है, नेट मीटिंग का संबंध इसी योजना से है। आगे लिखेंगे आप 31 जुलाई 2015 सागरमाला परियोजना। ठीक है भैया, हेडिंग डालो सागरमाला परियोजना। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सागरमाला किससे संबंधित है, तो आप करेंगे बंदरगाहों से। किससे? बंदरगाहों से। आप अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं, देखिए अगर हम भारत की बात करें वर्तमान में, तो भारत में बंदरगाहों की संख्या बात करें तो भारत में 200 छोटे बंदरगाह हैं और 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में 200 छोटे बंदरगाह और 13 कितने बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन भारतीय बंदरगाह जो थे वो ऐसे बंदरगाह थे जो आधुनिक नहीं थे। यहाँ से इन बंदरगाहों में आधुनिक ना तो जहाज थे, ना तट थे, ना कुछ भी था। तो भारतीय व्यापारी हो या विदेशी व्यापारी हो, कोई भी इनसे क्या नहीं करना चाहता था, व्यापार नहीं करना चाहता था। ईरान, इराक और बाकी जो देश हैं ब्रिटेन वगैरह के, इन सब देशों के बंदरगाह से लेकर जहाज तक सब क्या होते हैं, आधुनिक होते हैं। और जब आधुनिक होते हैं तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ ध्यान रखेंगे जब ये आधुनिक नहीं है तो कोई भी भारतीय या विदेशी हो अपने यहाँ के बंदरगाहों को प्रयोग ही नहीं करता है। बंदरगाहों का प्रयोग कर लेता है तो जहाजों का प्रयोग नहीं करता है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा कि हमारे अगर बंदरगाह क्या हो जाएंगे, आधुनिक हो जाएंगे, तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे, व्यापार कर सकते हैं और अन्य देशों के लोग भी भारत में बड़ी आराम से आ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जहाज ऐसे जहाज हैं, बंदरगाह ऐसे हैं, ना तो यहाँ सुरक्षा है और ना जहाज़ों में सुरक्षा है। जब ये जाते हैं तो इनका डर लगता है कहीं बीच में ही समुद्र में क्या ना हो जाए, बेकार हो जाए, तो इसीलिए कोई व्यापारी इनसे व्यापार करना नहीं चाहता। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे एक बार क्या हुआ, इटली के ही जहाज भारत में लाए गए, अर्थात कहने का मतलब है इटली नहीं, दुनिया का प्रत्येक देश के जहाज भारत में आते हैं, लगभग सभी देशों के आते हैं। तो वो जो विदेशी व्यापारी आते हैं वो अपना ही जहाज लेकर आते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो, भारत का जहाज प्रयोग नहीं करते। वो क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए और भारत के जहाज़ों में कोई सुरक्षा थी ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, इटली के जहाज भारत में आए और भारत में जहाज जैसे ही आए तो यहाँ पर जितने भी मछुआरे थे इन लोगों को इन्होंने मारा आके, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 14 की बात है, यहाँ मारा कम से कम 20-25 मछुआरों को मार दिया इन लोगों ने। हाँ, मदरा का पान करे हुए थे पूरा, और ये तुरंत की तुरंत क्या हो गए, वापस हो गए। बाद में कोस्ट गार्ड और इन सबको पता पड़ा, तो यहाँ सरकार को एक बात लगी कि अगर हम अपने बंदरगाह अच्छे बना दें, आधुनिक बना दें, जहाज इसमें अच्छे छोड़ दें, तो विदेशी आएंगे ही नहीं यहाँ, और जब आएंगे ही नहीं तो क्राइम भी नहीं बढ़ेगा, और क्राइम नहीं बढ़ेगा हमारे यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा और क्या होगा, पैसा भी आएगा सरकार के लिए। तब एक योजना चलाई, इसका नाम था सागरमाला परियोजना। और यहाँ पर इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कितने का किया है? 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो अब क्वेश्चन यही आता है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारत के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने से। क्लियर यहाँ तक? मॉडर्न बनाने से, आधुनिकरण से। क्लियर? आगे डालो 1 नवंबर 2015 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे एग्ज़ाम के लिहाज से भी नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिहाज से भी समझ सकते हो। विकल्प योजना,
विकल्प योजना कौन सी है? विकल्प। आप पहला क्वेश्चन यही समझ लें, क्वेश्चन आता है विकल्प योजना किससे संबंधित है, आप करेंगे रेल मंत्रालय। किसने की है? रेल मंत्रालय ने इसे लागू किया। क्यों लागू किया है देखिए, रेल मंत्रालय ने क्यों लागू किया है? 1 नवंबर 2015 को लागू किया। क्यों? आप जाने वाले हो मुंबई, समझने हो, समझना बात तब समझ में आएगा। आप जा रहे हो मुंबई के लिए और आप खड़े हो मथुरा स्टेशन, और जाना कहाँ है? मुंबई मथुरा। आपने किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, या आप साउथ भारत जा रहे हो, चेन्नई जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपने दक्षिण भारत की या किसी भी की भी ट्रेन का क्या कराया? रिजर्वेशन कराया। और जैसे ही आपने रिजर्वेशन कराया तो आप यहाँ ध्यान रखें कि आपसे ये ट्रेन निकल गई। तो पहले क्या होता था, अगर ट्रेन निकल गई, क्या होता था? ट्रेन निकल गई तो फिर क्या है? ख़त्म है ना, रिजर्वेशन क्या हो गया? फिनिश। आप उस डिब्बे में तो जा सकते हो लेकिन आपकी सीट कन्फर्म नहीं होगी, सीट कन्फर्म नहीं हो सकती। लेकिन अब विकल्प योजना है, आपके पास विकल्प है, आपके पास क्या है? विकल्प है कि अगर एक ट्रेन निकल गई तो निकलने के बाद अगर दूसरी ट्रेन आती है तो इस ट्रेन को आने से पहले आप स्टेशन मास्टर के पास, सॉरी उसके टिकट कलेक्टर के पास जाएंगे और उसके कहेंगे कि हमारी ट्रेन निकल गई, हमारे पास एक विकल्प है कि हमें क्या दिया जाए? रिजर्वेशन सीट दी जाए आने वाली अगली गाड़ी में। अगर उस गाड़ी में कहीं भी एक भी सीट खाली होगी तो आपको तुरंत क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। एक भी होगी, ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था सीट खाली हो या ना हो आपका रिजर्वेशन कैंसिल तो कैंसिल, बस आप उस डिब्बे में जा सकते हैं, आपको सीट नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ आपके पास विकल्प है, अगर आपने एक ट्रेन छोड़ दी, कोई भी मजबूरी हो गई, तो उस रूट की 24 घंटे के अंदर जितनी भी ट्रेन आएंगी उसमें आप जा सकते हैं। और आपके पास विकल्प ये होगा कि अगर वहाँ एक भी सीट रिजर्व की क्या है, खाली है, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो लिख लो, विकल्प योजना किससे संबंधित है? रेल मंत्रालय, बस यही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी तो मैंने तुम्हें समझने के लिए बताया है। विकल्प योजना किससे संबंधित है? रेल मंत्रालय। इसमें आपके पास दूसरी ट्रेन का विकल्प है। अगली हेडिंग डालो, 4 नवंबर 2015 तो इसमें देखना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम समझना, 4 नवंबर 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझो, आपको पता होना चाहिए जब तक भारत सरकार के पास गोल्ड नहीं होगा, सोना नहीं होगा, तब तक वह आपके लिए पैसा नहीं छाप सकती। समझ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर गोल्ड है, सोना है, तो ये किसे दे देगी? आरबीआई को दे देगी, और आरबीआई इसके बदले में क्या कर देगी? पैसा छाप देगी। हमारा मतलब यहाँ ये नहीं होता कि अगर हमारे पास सोना है तो हम विश्व बैंक में जमा करें तभी हम पैसा छापेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है अगर हमारे पास सोना है, गवर्नमेंट के पास सोना है, और वो किसे देगी? आरबीआई को देगी, तभी वो क्या कर सकती है? पैसा छाप सकती है। और अगर गवर्नमेंट के पास सोना नहीं हुआ तो भारत में कितने भी पैसे की कमी क्यों न पड़ जाए, आरबीआई पैसा नहीं छाप सकती, नहीं छाप सकती, बिल्कुल नहीं छाप सकती। और ऐसा एक बार हुआ था, इसीलिए यह स्कीम चलाई गई थी, 2013 में ही हुआ था कि भारत सरकार के पास बिल्कुल सोना नहीं बचा खरीदने के लिए, मतलब था ही नहीं सोना, गोल्ड नहीं था। मैं आरबीआई की बात नहीं कर, आरबीआई के पास तो बहुत सोना है, आप लगा लो
1935 में आरबीआई की फेडरल बैंक के रूप में स्थापना हुई थी, और आपको पता है तब से लेकर आज तक उसमें सोना ही जमा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, गोल्ड ही जमा है वहाँ पर और कुछ नहीं है। तो इतना सोना है ना, सब सोना कहाँ है, आरबीआई के पास ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सोना नहीं था 2013 में, और अगर उसके पास सोना नहीं होगा तो वह भारत में बाजार में पैसा जारी नहीं कर सकता। और 2013 में यही हुआ घटना, तब ये स्कीम लगाई गई, इसे देखते हुए समझना। 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर, वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, और यहाँ पर क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, बाजार में पैसे की पड़ गई कमी, और बाजार में अगर पैसे की कमी, उत्पादन हो गया ज़्यादा, पैसा हो गया कम, और जब पैसा कम होगा उत्पादन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, पैसा कम है हमारे पास खरीदने के लिए नहीं है, और उत्पादन हो गया ज़्यादा तो महंगाई हो जाएगी कम। मेरा कहने का मतलब हुआ, तुम्हारी जो वस्तुएं गेहूं हैं, उत्पादन तो गेहूं का बहुत ज़्यादा हो गया, और आपके पास अब सरकार के पास पैसा है नहीं खरीदने के लिए, तो आपका रेट जो 1500 का था वो 1000 में ही जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है किसी के पास। वही तो लेगा जिसके पास पैसा होगा, तो वह तो उसे तो 10 जगह से मिल रहा है, तो वो जहां कैसा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वहां से लेगा। सेम कंडीशन 13 में हुई कि पैसा बाजार में कम, और पैसा बाजार में कम तो सरकार ने कहा आरबीआई से पैसा छाप दो, इन्होंने कहा हम छाप देंगे लेकिन हमें क्या चाहिए, सोना। सरकार ने कहा हम सोना दे देंगे, बोले इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए पहले गोल्ड, और जब तक आप हमें गोल्ड नहीं देंगे तब तक हम क्या नहीं कर सकते। अब देखिए यहां से आरबीआई से गवर्नमेंट लौट कर आ गई और सीधे गई बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, बालाजी मंदिर वहां पर बहुत सोना है, और जाके उस ट्रस्ट से कहा, वह ट्रस्ट होता है लेकिन वह गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता, वहां पर ट्रस्ट अलग होता है, ट्रस्ट का ही अधिकार होता है, और वहां जाके पहुंची और बोला हमें कुछ समय के लिए गोल्ड दे दो या फिर इसका पैसा ले लेना, पर हमें सोने की आवश्यकता। और बालाजी ट्रस्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको सोना नहीं दे सकते। अब गवर्नमेंट दौड़ी दौड़ी गई कहां, शिरडी साई, वहां भी बहुत सोना है, बोले आप ही दे दो, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। तब हमें भारत को 400 टन सोना अमेरिका से खरीदना पड़ा था। तब भारत में क्या हुआ, नोट छापे गए और पैसे की पूरी क्या हुई, वही हुई। इसको देखते हुए सरकार ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा ना हो सोने की हो जाए कमी, है ना, सोने की हो जाए कमी, और सोने की कमी हुई तो फिर वही परेशानी हमसे ना हो जाए, तब ये स्कीम लगाई, गोल्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम। और इसकी स्कीम में क्या कहा गया, यहाँ पर दो बातें कही गई प्रत्येक, देखो भारत में सोना की कमी नहीं है, सोना सबके पास है लेकिन सब छिपा के रखते हैं। तो सरकार ने कहा देखिए भैया आपके पास सोना है, आप अपना सोना कहाँ जमा करो, बैंक में जमा करो, देखिए अगर आपके पास सोना रहेगा तो उसका डर रहेगा कोई चुरा ना ले, बढ़ तो नहीं रहा है वो, ऐसा ही उसका सबसे बड़ा डर होगा कि कहीं खो ना जाए, चुरा ना ले। तो इससे कहा कि पहली ही होगी, आप अगर गोल्ड जमा करेंगे और उसके बदले आप क्या ले सकते हो, पैसा, यानी कि लोन ले सकते हो। हाँ, गोल्ड जमा किया उसके बदले पैसा ले सकते हो, लोन ले सकते हो, तो उस लोन पर आपको क्या देनी होगी, ब्याज देनी होगी। जैसे आप केसीसी पर लोन लेते हैं तो आपको अपने खेत के पूरे क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं केसीसी के लिए, तो आपने कुछ तो जमा किया तो आपको लोन मिला, और जब आपको लोन मिला तो आप ब्याज देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ यही कही गई कि अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड जमा करो बैंक में, यह सुरक्षित रहेगा, और आप यहाँ से लोन ले सकते हो, उस लोन की आपको क्या देनी होगी, ब्याज देनी होगी, आप जब चाहो तब अपने गोल्ड को ले सकते हो। और दूसरा काम यहाँ ये कहा गया कि आप अगर गोल्ड पर लोन लेना नहीं चाहते तो आप अपना गोल्ड बैंक में जमा कीजिए, और अब बैंक आपको क्या देगी, ब्याज देगी, गोल्ड जमा करने से ही ब्याज देगी। मतलब आपके पास सोना है 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना भी आप जाओ जमा कर दो, आपने पैसा नहीं लिया तो आपको हर महीने क्या आ जाएगी, आय, और आपका सोना भी क्या रहेगा, सुरक्षित। अगर आपके घर में रखा है तो कभी अंदर दीवार में गाड़ दो, कभी ज़मीन में गाड़ दो, कभी आएगा AK-47 रखी ले जाएगा, ना रहेगी आय ना रहेगा सोना। तो इस सब को करने के लिए क्या कर दिया गया, स्कीम है, आज अपनी बैंक में सोना जमा कर सकते हो। अगर आपने लोन लिया तो आपको दर देनी होगी, अगर आपने लोन नहीं लिया सिर्फ गोल्ड जमा किया सुरक्षा के लिए, तो आपके सोने की सुरक्षा भी होगी, इसके बदले आपको क्या मिलेगी,
ब्याज भी मिलेगी और आप कभी भी अपने सोने को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो वर्तमान में अगर भारत में आज बात करें तो भारतीय सरकार के पास 557 टन सोना है, आरबीआई के पास कितना है, 557 टन सोना है वर्तमान में। थोड़ा बड़ा ही होगा, इससे कम नहीं है, 557 टन सोना बहुत होता है, और इससे भी ज़्यादा भारत में नागरिकों के पास है। सोने की ईंट छिपा के रखी है, बोले जंजीर पहन के डोलेंगे, बोले कुंडल, हाँ सही है। लिखो 26 नवंबर 2015 लिखिए आगे, 26 नवंबर 2015 लिखिए, उदय योजना, अपनी ही क्लासेस की योजना है उदय, UDAY, उदय योजना, हाँ 20 नवंबर 2015 को कौन सी योजना आई, उदय, समझना इसे, फुल फॉर्म तो याद होनी चाहिए ना तुम्हें, उदय की, उज्ज्वला, डिस्कॉम, फुल फॉर्म याद रखना, इंश्योरेंस, पेपर में आ जाती है कभी कभी पूछ लेता है, योजना उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, लेकिन ये पूछ ली जाती है, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना क्या होता है। देखिए पहली बात, ये योजना बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए थी, इससे आपका कोई संबंध नहीं है, आपसे ना तो कोई इसमें पैसा लेगा ना आप इसमें भागीदारी कर रहे हैं, इसमें भागीदारी करेगी राज्य सरकार और बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां। इस योजना से पहले जितनी भी बिजली उत्पादन कर रही थी कंपनियां, जैसे BSES है, ये बिजली उत्पादित करती है, BSES NTPC भी करती है, तो ये कंपनियां क्या हो रही थी, लगातार घाटे में जा रही थी। घाटे में जाने का कारण हम लोग भी हैं और सरकार भी है, समय से बिल न चुकाना, दूसरा चोरी करना, ये सब बिजलियों का घाटे का सबसे बड़ा मतलब है। जैसे अब रीजन किस बात का है, ऐसा गवर्नमेंट ही कराती है, राज्य स्टेट गवर्नमेंट ही और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। आप देखो मैं हूँ, मेरे पास कनेक्शन है बिजली का, गांव में रहता हूँ, 2 वर्ष हो गए बिना बिल भरे। अब 2 वर्ष बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बिल भर दूँ, कनेक्शन कट जाएगा। तभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने लगे, समझना, और जैसे ही चुनाव होने लगे, अब BJP अलग कह रही है कि हम बिल माफ़ कर देंगे बिजली का, कांग्रेस अलग कह रही है, बहुजन समाज पार्टी अलग कह रही है, समाजवादी, अब कोई ना कोई तो बनेगी पार्टी, और जब उसने कहा है तो वो करेगी ज़रूर। अब मैंने सोच लिया, अब मुझे क्या नहीं करना, बिल जमा नहीं करना। अब सरकार आई, उसने चुनावी मुद्दों में तो कह दिया, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि अब बनाइए, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टी चुनाव में क्या करेगी, कोई भी मुद्दा उठाएगी या फिर कहेगी कि मैं यह काम करेंगे आने के बाद, उसे करना होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, कह तो दिया, अब मान लो चलो कह दिया कर भी दिया, मेरे पास तो 1,00,000 रुपये है ना, और उसने कह दिया जिसके पास 5,000 रुपये तक का होगा उसके जमा हो जाएंगे, बाकी कितने बचे 95,000, अब वो मैंने जमा नहीं किए, सरकार ने भी 1-2 साल ऐसे ही निकाल दिए जमा करने में, फिर मैं इंतज़ार करूँगा अगली साल आए, अगली बार सरकार आएगी। तो इससे क्या होता है, कंपनियों को बहुत लॉस जाता है। तब सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए योजना लागू की, और इस योजना में कहा गया कि कुछ घाटा कंपनियाँ भी उठाएंगी और कुछ घाटा कौन उठाएगी, राज्य सरकार। मतलब ये हुआ कि जितना भी यह घाटे में चल रही है, मानो 50 करोड़ 100 करोड़ जितना भी घाटे में चल रही है, तो यह ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार इसे एक साथ दे देगी, हर वर्ष कुछ न कुछ करके 1% जितनी भी अमाउंट है उसका कुछ प्रतिशत हर वर्ष 5 वर्ष में क्या करेगी, भुगतान करेगी, वह कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आता है कि उदय योजना किससे संबंधित है, कि बिजली कंपनियाँ जो कहाँ जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं, उन्हें सही करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन यह आता है इसे अपनाने वाला भारत का
पहला राज्य कौन सा है तो आप करेंगे झारखंड। कौन सा है? उदय योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। लिख लीजिए। आगे लिखें, 22 फरवरी 2016, अब तो 2016 में आ गए तुम। 22 फरवरी 2016 डालिए हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्वर योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्वन RURBN योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दो तीन योजना और हैं बस, इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर इससे अगले आगे बताएंगे। आप इसे समझ लो, नाम याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है ये। देखो इसी में छुपा हुआ है जो कुछ है, RU मतलब रूरल और रर्मन का अर्बन हो, मान लो इसे क्या हो गया, अर्बन, और अर्बन का मतलब शहर। यहाँ हो गया गांव देहात, यहाँ हो गया शहर। यह योजना किससे है? गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए। इससे कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्वर योजना। अब इस देखिए इसमें क्या होता है, लिखो, इस योजना के तहत 300 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 300 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। हाँ लिखिए ना आप, पहले क्लस्टर बनाए जाएंगे, 300 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। समझना, देखो कैसे, कितने बनेंगे? 300। उदाहरण ले लेते हैं हम एक, देखिए, जैसे आप मानो आप रहते हैं खैर में, समझना, ठीक है, खैर में रहते हैं, और यह क्या है, शहर है। अब इसके आसपास तो गांव होंगे ना, इसके आसपास तो गांव होंगे। जब इसके पास आस गांव में, आसपास जो गांव में, यहां जो ये शहर है, सिटी है, यह बनेगा एक केंद्र जो इन गांवों से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब क्या होगा देखिए आप, ये खैर है, यहां ये प्रमुख केंद्र है नगर पालिका, है ना, नगर पालिका है यहां, समझना। आप यहां से गए यहां तक, यहां भी खैर, यहां से गए यहां भी खैर। अभी इसका एरिया यही था, अब जनसंख्या में वृद्धि, एरिया में वृद्धि, बढ़ने लगा। यहां आगे गए यहां भी खैर, यहां गए यहां भी खैर, और आगे गए इधर, यहां पहुंच गए, इधर पहुंच गए तो अलीगढ़ पहुंच गए, लेकिन नाम तो खैर ही है। इधर गए तो कहां पहुंच गए, जट्टारी पहुंच गए, ये भी तो खैर ही है। लेकिन आप देखिए समझिए, नगर पालिका तो यही थी ना, जब पहले यह नगर पालिका सिर्फ इस क्षेत्र में बिजली देती थी, पानी देती थी, सुरक्षा करती थी, सब कुछ, सड़क से लेकर देखभाल नगर पालिका इस क्षेत्र में करती थी। लेकिन इसका दायरा बढ़ा, अब यह शहर नहीं महाशहर हो गया। अब नगर पालिका कैसे करेगी कि आप देखो, आप नगर पालिका का केंद्र ये है और आपने मकान बनाया यहां, आपका नया मकान बना, आपके लिए पूरी लाइन खींचेगी, बिजली देगी, पाइपलाइन देगी, पानी देगी, सब व्यवस्थाएं बनाएगी, तो यहाँ क्या होती है, हमेशा परेशानी होती है, फिर वह शहर नहीं रहता, क्योंकि जो सुविधा वो यहाँ दे सकती है वो यहाँ नहीं दे सकती। इन सबको, शहरों को बचाने के लिए, अर्थात उनमें ज़्यादा वृद्धि न हो, उनके लिए क्या बनाए जाएंगे, शहरों के आसपास क्लस्टर बनाए जाएंगे, अर्थात इन शहरों के आसपास जो भी एक गांव चुना जाएगा और इस गांव में वही आधुनिक सेवाएं दी जाएंगी जो कहां मिलती हैं, इस शहर में मिलती हैं।
अर्थात यहाँ हॉस्पिटल मिलते हैं अच्छे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ अच्छे कॉलेज मिलते हैं, यहाँ भी मिलेंगे। मतलब जो समुचित सुविधाएं एक शहर में मिलती हैं, वही समुचित शहर सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, उस क्लस्टर में मिलेंगी, जो एक क्लस्टर बनाया जाएगा। और यह गांव क्लस्टर बनेगा तो इससे आसपास के सभी गांव क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। तो इसका मतलब सीधा यही है कि 300 क्लस्टर बनाने का मतलब है, जो भारत में महानगर हैं, जो भारत में क्या है महानगर, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इन सभी नगरों के आसपास क्या बनाए जाएंगे, क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिससे इन शहरों पर ज़्यादा दबाव न पड़े। समझ में बात, ऐसा नहीं है कि बोले यहाँ क्लस्टर बना दो, अरे 300 तो कुल हैं, ऐसे तो ये यूपी खा जाएगी ना। जो बहुत बड़े बड़े महानगर हैं उनके लिए क्या बनाए जाएंगे, 300 नए क्लस्टर, और इन पर काम चल रहा है वर्तमान में। लिख लो इसे, बड़े शहरों, बड़े महानगरों के बोझ को हल्का करने के लिए 300 नए क्लस्टरों का क्या होगा, निर्माण होगा। अगला लिखिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी देर की बात और है, बात नहीं थोड़ी देर और। 3 मार्च 2016, 3 मार्च 2016 सेतु भारतम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेतु भारतम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेतु भारतम योजना। सुनो, ये क्यों बनाए गए, इसका संबंध किससे है। पहली बात, ये 3 मार्च 2016 को लागू की गई, जिसका मतलब है सेतु भारतम योजना, मतलब जो नेशनल हाईवे हैं उन्हें फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए क्या बनाई गई, सेतु भारतम योजना। जैसे अगर हम बात करें, समझ लो इसका एक एग्जांपल, समझना, यहाँ होके जा रही है सड़क, हाईवे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब यहाँ होके निकल के आ रहा है क्या, नहीं, देखो हाईवे है ये, समझना, ये जा रहा है हाईवे, अरे सुनो, और यहाँ होके जा रही है रेल, रेल मतलब पटरी, ऐसे जा रही है। अब इस पर कोई सेतु नहीं है, पुल नहीं है, कितना बड़ा नुकसान होता था इनके बिना भारत में। पहला नुकसान देखिए, ट्रेन आई तो यहाँ फाटक बंद, ट्रैफिक लगा यहाँ से यहाँ तक, कोई भी गाड़ी बंद नहीं करेगा, पेट्रोल फ्यूज चलता रहेगा, है ना। ये एक जगह नहीं होता, पूरे भारत में होता है, आप अनुमान लगाइए, अगर 5 मिनट भी किसी भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर रुका तो कितना बड़ा भारत है, 5-5 मिनट से लगाओ, कम से कम 100 बाइक और गाड़ी तो रुकी जाती हैं दोनों तरफ, इतना फ्यूल खराब। दूसरा, ये लग गया ट्रैफिक, लेकिन आगे वाला जो रास्ता है वो सक रहा है, तो यहाँ पर ट्रैफिक लगने से कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी, कोई टीचर, कोई कुछ है, हमेशा क्या होते गए, एम्बुलेंस है, कुछ भी है, लेट होने के कारण कोई ना कोई रीजन तो बना जिससे कि भारत के विकास में क्या हो जाए, बाधा आती है। दूसरा काम, तीसरा काम, कुछ जल्दी वाले होते हैं, भगवान को बड़े जल्दी प्यारे होते हैं, आई ट्रेन बोले अरे अभी तो यही है, देख ही लेते हैं, चलो बोले झुकाई बाइक नीचे, निकलने लगे और पता पड़ी आई और खत्म। हर महीने 200 से ज्यादा मृत्यु इसी कारण होती थी। इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने एक और निर्णय लिया कि हम भारत में अभी नेशनल हाईवे के लिए, ये सिर्फ किसके लिए, नेशनल हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे को क्या करेंगे, फ्री करेंगे, मुक्त करेंगे, जिसके लिए सेतु भारतम योजना, और जिसमें 2019 तक 1500 नए क्या बनाए जाएंगे, सेतु बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे, 1500 2019 तक, और लगभग ये बन चुके हैं जितने भी बनने थे। अब आगे प्लानिंग जो होगा वो 2019 की सरकार करेगी, क्या होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख लो, नेशनल हाईवे के लिए राज्य राजमार्गों को नहीं है, राज्य को तो राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार किसे करेगी, नेशनल हाईवे को, है ना, राष्ट्रीय राजमार्गों को। तो यहाँ लिख लो, इस योजना के तहत NH को फ्री करने के लिए
1500 नए क्या बनेंगे, सेतु बनेंगे, जिनके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया। 50,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया। चलो एक और लिख लो, बाकी कल लिख लेंगे ना। 1 अप्रैल 2016, काफी समय हो गया, 1 अप्रैल 2016, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लेना DBTK, फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है ऐसी योजनाओं की, DBTK। तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, डायरेक्ट बेनिफिट, लिखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर केरोसिन। समझ लो केरोसिन मिट्टी का तेल, समझ लो। यह योजना भारत के कुछ राज्यों में लागू हुई, अभी ज्यादा नहीं हुई, पहले बाद में अभी हुई है 18 में ही, अभी ज्यादा नहीं हुई, स्टार्ट जरूर हुई लेकिन यह ज्यादा वर्चस्व कायम नहीं कर पाई, बाद में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगी और यह पूरे भारत में धीरे धीरे फैल भी रही है। क्या है देखो, समझना, पहले यही योजना का एक और नाम था लगभग DBTL, यही योजना थी, इसका नाम था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। किसके लिए? LPG मतलब गैस कनेक्शन। तो मतलब समझो कि यह योजना L जो था यह पहले किसके लिए था? गैस कनेक्शन के लिए, और यह बना दिया केरोसिन ऑयल के लिए। अर्थात ये हुआ, पहले आप गैस सिलेंडर लेने जाते थे तो देखो जब आपको नाम सब्सिडी सुनाई दे, सब्सिडी, तो इसका मतलब समझ लो कि आपको फायदा हो रहा है। सब्सिडी नाम जहां आ जाए आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, सरकार आपके लिए फायदा कर रही है। अर्थात इसका मतलब होता है कि अगर हम सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट सब्सिडी और एक होती है इनडायरेक्ट। समझ लो, थोड़ा बस यही लास्ट टॉपिक है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। जब हम पहले गैस सिलेंडर लेने जाते थे तो वह गैस सिलेंडर 400 रुपए का लास्ट मिलता था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह 400 रुपए का नहीं था, वह सिलेंडर वास्तव में जो था वो कितने रुपए का था? 650 या 700 रुपए का था, लेकिन आपको मिल कितने का रहा था? 400 रुपए का। तो सरकार अपनी जेब से कितना डाल रही थी? 300 रुपए। तो 300 रुपए क्योंकि सरकार को पता था उसे LPG भारत में पहुंचानी थी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण क्या हो जाए? सही हो जाए। प्रदूषण किससे होता है? कोयला से और के चलाते इन सब से होता है। तो आप यहां ध्यान रखेंगे कि यहां देखिए 300 रुपए। अब उसे पता था कि अगर हमने इसका जो रेट रखा बाजार में 700 डायरेक्टली रख दिया तो कोई नहीं लेगा। उसने कितने रखा? 400। और इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, SRO, कोई भी हो जो क्या बनाती है, गैस बनाती है, उससे कह दिया कि आपको जो बाजार में सिलेंडर देना है वो 400 रुपए का देना है, लेकिन वास्तव में वो सिलेंडर कितने का पड़ रहा था? 700 का। और इन 300 रुपए को कौन देगा? हम देंगे। आपको पता था ये बात? नहीं पता था आपको, बस इतना पता था कि सिलेंडर कितने का आता है? 400 का। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां सब्सिडी दी, तो ये कैसी सब्सिडी हुई? इनडायरेक्ट। लेकिन यहां घोटाला ज्यादा होता था, क्यों? ब्लैकिंग ज्यादा होती थी, पूर्ति नहीं होती थी, क्योंकि जो कौन होते थे, ये लोग होते थे एजेंट लोग जो होते हैं, एजेंसी वाले जो लोग होते हैं, ये क्या करेंगे, एक सिलेंडर लिया, अब देखो आप तो 400 मिलेंगे ना, उसे 400 मिलेंगे, अब कोई ब्लैक मिलेगा तो ये लेगा 800 में, तो 400 रुपए तो उसे यहां से मिले, 400 यहां से मिले, 300 किसके मिले? सब्सिडी के। तो उसे कुल मिला के कितने रुपए? 700 रुपए का बेनिफिट एक सिलेंडर पर होता था, इसलिए वो ज्यादा ब्लैक करता था। और आपने देखा था कि रात के सुबह के 4 बजे से ही क्या लगती थी,
लाइन लग जाती थी सिलेंडर लेने के लिए, ब्लैक होते थे। तो इसको देखते हुए सरकार ने कहा हम सब्सिडी तो देते ही देते, फिर हम क्यों ना ऐसा करें कि सब्सिडी ना दें, हम क्या ना दें सब्सिडी डायरेक्ट किसे दें, लोगों को दें, नागरिकों को दें, उन्हें क्यों दें। तो अब नागरिकों से कह दिया कि सिलेंडर वास्तव में जितने का बनता है कंपनियों का लगता है पैसा, आप उतने में ही खरीदिए, और जो सब्सिडी हमें देनी है हम डायरेक्ट आपके किस में देंगे, खाते में, अकाउंट में देंगे। तभी तो कह रहा डायरेक्ट बेनिफिट जो देंगे वो ट्रांसफ़र होगा किसके लिए, केरोसिन के लिए या फिर एलपीजी के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि मानो आज 800 रुपए का, 820 का, 840 का जितने का भी गैस सिलेंडर आता है आप उतने का ही खरीदिए, कम से कम कंपनी को फ़ायदा तो नहीं होगा, उतने का ही खरीदिए। अब इसमें हमें 200 रुपए की, 250 रुपए की जितना भी तुम्हें राहत देनी है, लाभ देना है, वो हम क्या करेंगे, हम दे देंगे। वो आपके डायरेक्ट कहाँ जाएगा, अकाउंट में जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे यही क्या है सब्सिडी है, ये सिर्फ पहले एलपीजी के लिए थी, अब किसके लिए लागू कर दी, केरोसिन के लिए। अगर आप जाते हो कहीं किसी एजेंट के पास तो आप जब मिट्टी का तेल लाते हो तो आपको पता नहीं होता वास्तव में उसका भाव क्या है। अगर आज आप 40 रुपए लीटर लाते हो तो वो 40 रुपए लीटर जो मिल रहा है ना वो सब्सिडी देकर मिल रहा है, वास्तव में तो वो 60 और 80 रुपए लीटर होगा, लेकिन सरकार ने आपको यहाँ क्या दे रखी है, डीजल जो लेते हो, पेट्रोल जो लेते हो ना, इन पर भी सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन कैसी है वो इनडायरेक्ट आपको पता नहीं है। आप 85 रुपए लीटर पेट्रोल ला रहे हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से 85 आ रही है, वहाँ से कम 100 रुपए लीटर आ रही है। आपको सब्सिडी यहाँ सरकार दे रही है लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलेगा वो आपके अकाउंट में मिलेगा। मतलब आपको पेट्रोल डीजल, अभी पेट्रोल डीजल पर लागू नहीं किया, किस पर किया है, केरोसिन पर, कि आप अगर केरोसिन ऑयल लेंगे तो आप लेंगे तो क्या होगा, आप जैसे ही लाएंगे वहाँ से तो डायरेक्ट जो सब्सिडी मिलेगी वहाँ से, चाहे 20 मिलो, 50 मिलो, कितनी मिलो, आपके कहाँ आएगी, अकाउंट में आएगी। वह जो एजेंट है वो इस बीच में कुछ नहीं कर सकता। आज डीजल पेट्रोल पे भी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सब्सिडी की वजह है। ये लोग बहुत घपला करते हैं, टंकी वाले जो होते हैं, अगर ये डायरेक्ट लागू हो गया ये भी, तो पेट्रोल डीजल भी क्या होगा, सस्ता होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो बात करेंगे कल करेंगे, ठीक है।